दोस्तों अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्नैपचैट की प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। स्नैपचैट प्राइवेसी सेटिंग्स में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और कैसे आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो में सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सिंह और आप देख रहे हैं RMS Live Learning YouTube चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्नैपचैट की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट ओपन करना है और टॉप लेफ्ट साइड में आपको अपने बिटमोजी के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका स्नैपचैट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग गियर आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आप स्नैपचैट के सेटिंग्स पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप ये सेक्शन देख सकते हैं, हु कैन। तो गाइज, यहाँ पर ये पांच ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपने स्नैपचैट अकाउंट पर प्राइवेसी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट मी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट माई फ्रेंड सेलेक्टेड रहता है, यानी कि आपके स्नैपचैट फ्रेंड्स ही आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एवरीवन सेलेक्ट करेंगे तो स्नैपचैट पर पब्लिकली कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स ही सेलेक्ट रहने दीजिए। दोस्तों, स्नैपचैट पर आप अपना कैमियो सेल्फी क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग चैट में उसका यूज़ कर सकते हैं। कैमियो सेल्फी आपके फेस का एनिमेटेड स्टिकर होता है, जिसे आप अपने फेस की फ़ोटो क्लिक करके बना सकते हैं। कैमियो क्रिएट करते टाइम आपको एक बार ही अपने फेस की फ़ोटो क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके चेहरे के कई अलग अलग मूविंग स्टिकर्स बन जाएंगे, जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप यूज़ माई कैमियो सेल्फी का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट माई फ्रेंड्स सेलेक्ट रहता है, यानी कि आपके स्नैपचैट फ्रेंड्स ही आपके कैमियो सेल्फी का यूज़ कर सकते हैं, अदर यूज़र्स नहीं। अगर आप यहाँ पर एवरीवन सेलेक्ट करेंगे तो पब्लिकली कोई भी आपकी कैमियो सेल्फी का यूज़ कर सकता है। और अगर आप ओनली मी के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप ही अपनी कैमियो सेल्फी का यूज़ कर सकते हैं, अदर यूज़र्स नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू माई स्टोरी। तो गाइज, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने ये तीन ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर भी बाई डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स ओनली सेलेक्ट रहता है, यानी कि आपके स्नैपचैट फ्रेंड्स ही आपकी स्टोरी को देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यहां पर एवरीवन को सेलेक्ट करेंगे तो पब्लिकली कोई भी आपकी स्टोरी को देख सकता है। और अगर आप यहां पर कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी स्नैपचैट फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहां पर आप जिस किसी फ्रेंड को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही आपकी स्टोरी को देख सकता है, अदर यूज़र्स नहीं। दोस्तों, स्नैपचैट पर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनके फ्रेंड्स भी स्नैपचैट यूज़ करते हैं तो स्नैपचैट आपको उनकी फ्रेंड सजेशन भी दिखाता रहता है। ठीक इसी तरह से आपकी फ्रेंड सजेशन भी आपके फ्रेंड्स के सामने जाती है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर सी मी इन क्विक ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और शो मी क्विक ऐड के सामने राइट आइकन पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप ये नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, सी माई लोकेशन। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। तो गाइज, यहाँ पर गोस्ट मोड का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, जिससे कि आपकी लोकेशन प्राइवेट रहती है, यानी कि स्नैपचैट पर आपकी करंट लोकेशन कोई भी नहीं देख सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अलाउ फ्रेंड्स टू रिक्वेस्ट माय लोकेशन के सामने ये चेकबॉक्स भी सेलेक्ट रहता है, इससे कोई भी आपको आपकी लोकेशन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो आपको कोई लोकेशन रिक्वेस्ट भी नहीं भेज पाएगा। अब अगर दोस्तों आप अपनी लोकेशन को पब्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर गोस्ट मोड के सामने इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए, जिसके बाद इस तरह से यहाँ पर जो हिडन ऑप्शंस थे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माय फ्रेंड सेलेक्ट है, यानी कि आपके जितने भी स्नैपचैट फ्रेंड्स हैं वो आपकी लोकेशन को देख सकते हैं। अब अगर आप अपने किसी फ्रेंड से अपनी लोकेशन को छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माई फ्रेंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप यहां से जिस फ्रेंड को सेलेक्ट करके बॉटम साइड में डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस फ्रेंड से आपकी लोकेशन हाइड हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों, यहां पर ओनली दीज फ्रेंड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने जितने भी फ्रेंड्स को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही फ्रेंड्स आपकी लोकेशन देख सकते हैं, अदर यूज़र्स
नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर गोस्ट मोड के सामने इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो अगर आप यहाँ पर 3 आवर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 3 घंटे तक आपकी लोकेशन पब्लिक रहेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप 24 आवर्स के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो 24 घंटों तक आपकी लोकेशन पब्लिक रहेगी, और अगर आप अनटिल टर्न ऑफ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जब तक आप खुद अपनी लोकेशन को प्राइवेट नहीं करेंगे तब तक आपकी लोकेशन पब्लिक रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके अपने स्नैपचैट अकाउंट पर प्राइवेसी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको स्नैपचैट पर अपने किसी एक फ्रेंड के साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है और बाकियों के साथ नहीं करनी है तो वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पेज में प्राइवेट स्टोरी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने उस फ्रेंड को सेलेक्ट करना है जिसे आप अपनी स्टोरी दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अपने और भी फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बॉटम साइड में क्रिएट स्टोरी के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज, इसमें आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से स्टोरी ऐड करने का एक और ऑप्शन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या कोई शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई स्टिकर भी अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आपको बॉटम राइट कॉर्नर में सेंड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी स्टोरी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में इस तरह से आपके उस फ्रेंड के साथ शेयर हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप स्नैपचैट पर प्राइवेसी लगा सकते हैं या फिर अपनी स्टोरी को प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको स्नैपचैट प्राइवेसी से रिलेटेड ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।